नमस्कार, एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर, ख़ास तौर पे इस घर का जो पैरापेट वाल का काम किया गया है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो अगर आप भी अपने लिए घर बना रहे हो, फिर प्लानिंग कर रहे हो, आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपको कुछ नया आइडिया अपने बनने वाले घर के लिए ज़रूर लग जाएगा। इस घर का जो कॉर्नर वाला पार्ट है उसे भी आप देख सकते हो, प्लास्टर कटिंग डिज़ाइन के द्वारा यहाँ पे कुछ अलग टाइप का काम किया गया है। और इससे इस पर अगर आप डिफरेंट कलर का यूज़ करते हो तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। चलते हैं पैरापेट वाल की तरफ। पहले जानते हैं कि पैरापेट वाल होता क्या है। देखिए दोस्तों, छत के ऊपर वाला जो आप हिस्सा देख रहे हो, जिसे बहुत सारे लोग छत के ऊपर में जो करते हैं उसे चार दीवारी भी बोल लेते हैं, लेकिन इसे पैरापेट वाल बोला जाता है। देखिए कुछ इस तरीका से इस छत के ऊपर और ये जो छज्जा बनाया गया है उसके ऊपर भी कुछ इस तरीका से पैरापेट वाल का काम किया गया है, ताकि इस घर का जो लुक है उसे बढ़ाया जा सके। इसे सामने की तरफ साइड की तरफ बनाया जाता है। देखिए साइड व्यू में लगभग 3.5 फीट के आसपास का यहाँ पर छज्जा है वो निकाला गया है, और छज्जा के लिए कैंटिलवर बीम दिया गया है, सपोर्ट के लिए लाइट वगैरह भी दिया गया है, ताकि रात में भी घर है वो सुंदर दिखे। देख सकते हो कैंटिलवर बीम है जिसे लटक बीम बोला जाता है। और इसके साथ साथ जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो छज्जा के ऊपर में जो काम किया गया है उसे पैरापेट वाल बोलते हैं। उसके बारे में आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। साइड व्यू भी इस घर का आप देख सकते हो, पूरा लुक भी इस घर का दिखाऊंगा, और भी ज़्यादा आप आइडिया लीजिएगा। लेकिन पहले पैरापेट वाल की तरफ चलते हैं। देख सकते हो छत के ऊपर लगभग 3.5 फीट के आसपास का यहाँ पर काम किया गया है, जिसके सबसे नीचे वाला हिस्सा में बीट का डिज़ाइन है, बीट डिज़ाइन लगाया गया, जिससे बहुत सारे लोग स्टेप डिज़ाइन बोलते हैं, आम भाषा में कुछ लोग सीढ़ी नुमा डिज़ाइन भी इसे बोल लेते हैं। ये देख सकते हो इस तरीका से ये जो काम आप देख रहे हो ये ईंट से किया गया है। पहले ईंट को बाहर निकालते हुए जोराई किया गया, फिर प्लास्टर करने के बाद में कुछ इस तरीका का आपको काम यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। तो देखिए, इस टाइप का अगर आप चाहो तो अपने बनने वाले घर के लिए काम करवा सकते हो। साथ में प्लास्टर कटिंग डिज़ाइन का यूज़ भी किया गया है। कॉर्नर पे आप देख सकते हो जो 3-3 का पट्टी का डिज़ाइन है, ये मैं इसका बात कर रहा हूँ। इधर भी देखिए, या फिर आप इधर सामने तरफ भी देख सकते हो, दोनों तरफ से 3-3 पट्टी का काम किया गया है। और उसके साथ साथ उधर फिर ब्रिक वर्क का काम किया गया है, ईंट का जोड़ाई करते हुए बाहर निकालते हुए ईंट का जोड़ाई किया गया है, ताकि आपको कुछ अलग टाइप का डिज़ाइन मिल सके। इसके ऊपर अगर आप अच्छे कलर कॉम्बिनेशन के साथ पेंट करते हो, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। देखिए साइड व्यू कुछ इस तरीका से यहाँ पे रखा गया है। मैं आपको दूर से भी दिखाऊंगा, घर का पूरा लुक भी दिखाऊंगा। आप देखिए ये साइड व्यू है कि कुछ इस तरीका से यहाँ पे किया गया। देखिए डिफरेंट कलर से पेंट करने के बाद काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। ये जो खाली जगह है अभी आपको दिखाऊँगा, ये सारा डिज़ाइन तो आप देख रहे हो, और इसके साथ साथ ये जो खाली जगह है वहाँ पर स्टेनलेस स्टील का रेलिंग का प्रयोग किया जाएगा। ये देख सकते हो ये सारा में डिफरेंट कलर का यूज़ होने वाला है, जिसके बाद इस घर का लुक बढ़ने और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। ये खाली जगह है, देखो मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखिए, ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे जो खाली जगह है, यहाँ पे खाली नहीं छोड़ा जाएगा, स्टेनलेस स्टील का रेलिंग का प्रयोग यहाँ पर किया जाने वाला है। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो खाली है, उसके साथ साथ यहाँ भी खाली है, इन दोनों जगह को भर दिया जाएगा स्टेनलेस स्टील, या फिर आप चाहो तो पाइप भी लगा सकते हो। तो इस ढंग से इस घर का जो काम है वो किया जा रहा है आसानी के साथ। आप देख सकते हो कुछ इस तरीका से इस घर का साइड व्यू आप देख रहे हो। पहले भी मैंने इस घर का वीडियो डाला हुआ है, अगर आप देखना चाहते हो इसे कैसे बनाया गया, ब्रिकवर्क कैसे किया गया, इस घर का वॉक थ्रू देखना चाहते हो तो जाकर आप चैनल पेज पे देख सकते हो। ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। घर कम्प्लीट होगा तो फिर से वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।